नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। कहा जाता है कि किसी भी चीज की जरूरत ही विकास को जन्म देती है, और विद्वानों का कहना है कि विकास के दो पक्ष होते हैं, एक अच्छा तो दूसरा बुरा। जैसे जैसे इंसानों की ख्वाहिशें बढ़ने लगी, विकास तेजी के साथ बढ़ने लगा, और आज की डेट में सोशल मीडिया एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। जैसे ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, जहां पर आप कोई भी बात दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचाना चाहते हैं तो आप बस वहां जाएं और जो कहना चाहते हैं उसे कह दें, लिख दें, शेयर कर दें। आपसे जुड़े हुए लोग जो दुनिया के किसी भी कोने में होंगे उनके पास वो बात पहुंच जाएगी, और वो आपके इस विचार, फोटो या कोई भी चीज जिसे आपने शेयर किया है उसे वो देखकर लाइक, कमेंट या रीट्वीट करेंगे। सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है जिससे मिनटों में आप दुनिया में अपने विचार भेजते और दूसरे का विचार सुनते हैं। इसी कड़ी में अमेरिका के न्यूजर्सी से एक मुस्लिम लड़की ने टिकटॉक पर मैसेज क्या छोड़ा, दुनिया में तहलका मच गया। अभी तक गुमनामी की जिंदगी जी रही लड़की रातों रात स्टार बन गई। जी हाँ, नाम है फिरोजा अजीज। फिरोजा ने चीन के शिजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म को लेकर चीन का विरोध किया और मुस्लिमों के समर्थन में अपनी बात कही। इसके लिए फिरोजा अजीज ने सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म टिकटॉक को यूज किया, और उइगर मुसलमानों को लेकर फिरोजा अजीज ने चीन की कड़ी आलोचना की। Hi guys, I'm going to teach you guys how to get long lashes. So the first thing you need to do is grab your lash curler, curl your lashes obviously, then you're going to put them down and use your phone that you're using right now to search up what's happening in China, how they're getting concentration camps, throwing innocent Muslims in there, separating their families from each other, kidnapping them, murdering them, raping them, forcing them to eat pork, forcing them to drink, forcing them to convert different religions, if not, or else they're going to, of course, get murdered. People that go into these concentration camps, they'll come back alive. This is another Holocaust, yet no one is talking about it. Please be aware. Please spread awareness. And yeah, so you can grab your lash curler again. तो आपने सुना फिरोजा जो कह रही हैं कि आप अपनी पलकों को दबाएं और फिर इसे हटाने के बाद आप अपने इसी फोन से सर्च करके देखें कि किस तरह से चीन उइगर मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा है और उनको पुलिस की निगरानी में कितनी यातना दी जा रही है, किस तरह उनकी स्वतंत्रता को मारा जा रहा है। इतना कहना था कि टिकटॉक पर तहलका मच गया और पूरी दुनिया में फिरोजा अजीज के चर्चे होने लगे और लोग कड़ी प्रतिक्रिया देने लगे। रातों रात फिरोजा अजीज इंटरनेशनल पर्सनालिटी बन गई। यहाँ पर एक बात आपको बता दें कि टिकटॉक का मालिकाना हक एक चीनी कंपनी के पास है, और जब बात चीन की हो तो उसे कैसे दिखाया जा सकता है। फिर क्या था, बाइटडांस ने फिरोजा अजीज का अकाउंट ब्लॉक कर दिया, जिससे फिरोजा अपना टिकटॉक अकाउंट देख भी नहीं पा रही थी। वही कंपनी ने कहा कि फिरोजा के टिकटॉक से उइगर मुसलमानों और कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। No contact at all. I've emailed TikTok myself and there hasn't been anyone to reach out to me. And I think that's really strange because they're reaching out to other reporters but not to me, the one that they should talk to about. I can't open TikTok. My phone is blocked from even using the device. It's just a black screen and it won't let me go into the app. It says due to multiple violations, your account is suspended. So I can't even go onto it on my own phone. I will continue to spread awareness on issues that I believe that need to be talked about. Issues like Kashmir, issues about Afghanistan, about Colombia, Venezuela, everything, about even America with the ICE with what they're doing with illegal immigrants. I will continue to talk about it, and I will talk about it on Twitter, on Instagram, on any platform I have, even TikTok. I'm not scared of TikTok even after the suspension. I won't be scared of TikTok. लेकिन वही फिरोजा TikTok पर आरोप लगाती हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बाद में कंपनी ने अपनी गलती पर माफी मांगी और उनके फोन पर TikTok यूज करने की इजाजत दे दी। यहाँ पर एक बात बताते चले कि चीन उइगर मुसलमानों और बीगर मुसलमानों को लेकर काफी सख्त हुआ है, और इसी को लेकर अमेरिका भी काफी आलोचना कर रहा है चीन का, और चीन और अमेरिका के बीच तनाव का एक कारण ये भी माना जा रहा है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि क्यों, कैसे और किस लिए फिरोजा अजीज इंटरनेशनल पर्सनालिटी बनी और उनकी चर्चा आजकल क्यों हो रही है।